हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत ही बेहतरीन जॉब। चैट प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स, बल्क में हायरिंग निकली है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं, जैसे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, लोकेशन क्या होने वाली है, हर एक चीज़, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, इसके अंदर सैलरी क्या होने वाली है, हर एक चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस होने वाला है स्विगी। यस, स्विगी जो आप ऑर्डर करते हो खाना वगैरह, तो उसी का प्रोसेस होने वाला है। इसमें जो जॉब प्रोफाइल होने वाली है फ्रेंड्स आपकी, वो ये होने वाली है कि जैसे मान लो मैंने खाना ऑर्डर करा, खाना आया लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो क्या होता है कि अमाउंट जब हमें रिफंड चाहिए होता है, कस्टमर्स को अमाउंट रिफंड चाहिए होता है, तो क्या होता है कॉल्स की मतलब कॉल्स हम करते हैं, कस्टमर्स कॉल करते हैं लेकिन कॉल पिक नहीं हो पाती है बहुत टाइम पे, या फिर ऑप्शन भी नहीं होता है कॉल, बहुत सारे कस्टमर्स को ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं कॉल करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है चैट का ऑप्शन होता है स्विगी में, तो कस्टमर आपके साथ चैट करेगा, चैट के द्वारा आपसे बात होगी कि भाई उसको अमाउंट रिफंड चाहिए होगा, तो उसकी आपकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, कस्टमर्स की आपको हेल्प करनी होगी और जो भी उसका अमाउंट रहता है सारी चीज़ें डिटेल्स हर एक चीज़ लेनी होती है उससे, कब ऑर्डर किया था, क्या ऑर्डर किया था, कोड वगैरह सारी चीज़ें लेने के बाद आप उसको अमाउंट रिफंड के लिए बता देते हो। इंस्टेंट कस्टमर का जो है अमाउंट रिफंड हो जाता है तो आप इंस्टेंट कर देते हो, अदरवाइज आपको एक आप उनको एक टैग बता देते हो कि सर आपका इतने टाइम में आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स सैलरी की बात करें तो 15,500 रुपये भी हो सकती है आपकी सैलरी, 16,500 रुपये भी हो सकती है और 14,500 रुपये भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसी है, कैसे आप प्रोनाउंसिएशन है जो आप कम्युनिकेट करते हो, आपकी जो इंग्लिश है कम्युनिकेशन की जो आपकी स्किल्स है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है, आपका जो इंग्लिश है वो एवरेज है, गुड है या फिर बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको वो सैलरी प्रोवाइड कराएंगे। और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आपका जो ग्रामर होना चाहिए वो ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप चैट करोगे तो वहाँ पे क्या है आपका ग्रामर चाहिए होता है। देखो, जब आप बात कर रहे होते किसी से, कम्युनिकेट कर रहे होते, तो वहाँ पे ग्रामर आपका ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, लेकिन जब आप किसी से चैट में बात कर रहे हैं तो रिटर्न में, यानी कि कहने का मतलब है, तो वहाँ पे आपको जो ग्रामर है वो एकदम सही होना चाहिए, ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है, इसमें जो है इंसेंटिव्स भी हैं, जैसे कि आपकी मान लो 15,500 रुपये सैलरी है तो 2,000 रुपये आपकी इंसेंटिव है एक महीने की, हाँ जी वो भी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी फ्रेंड, कि भाई इसमें कितने वर्किंग डेज हैं, क्या है, कैसे है। तो इसमें बताना चाहूँगा ये प्रोसेस जो है वो डोमेस्टिक प्रोसेस है, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है। डोमेस्टिक में हमेशा 6 दिन आपको काम करने होते हैं ज़्यादातर कंपनियों में, ठीक है, 99% में तो आपको 6 दिन काम करने होते हैं। और बताना चाहूँगा कि इसमें भी आपको 6 दिन ही काम करने हैं और जो आपका एक दिन की जो छुट्टी मिलेगी वो रोटेशनल होगी, मंडे टू संडे आपको कभी भी वो ऑफ मिल सकती है, वो अकॉर्डिंग टू आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो ऑफ। मान लो कि बुध को आपको कहीं जाना है या फिर आपको कुछ काम है, ठीक है, या फिर आप डेट पर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो उस दिन की आप सुपरवाइजर से बोल दो कि भाई मैं इस दिन की छुट्टी मार्क कर दो, या फिर मान लो उस दिन आपको एग्जाम है या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है, तो यानी कि ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई संडे को ही छुट्टी है तो संडे को ही मिलेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। इसमें ना तो कोई कैब है ना कोई मील है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है डोमेस्टिक प्रोसेस में। डोमेस्टिक प्रोसेस में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ये सारी फैसिलिटीज इंटरनेशनल में होती है। तो अगर आपको जैसे कि जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने HR का नंबर मेंशन कर दिया है, ठीक है, मैं इंटरव्यू कंडक्ट कराओ, अगर वो पूछते हैं कि नंबर कहाँ से मिला तो आप उनको मेरा नाम बता दीजिएगा कि चंदन से नंबर लिया है जो YouTube पर वीडियो बनाता है, ठीक है, इतना जरूर आप बताइएगा। अगर वो नहीं भी पूछते हैं तो भी आप उनको मेरा रेफरेंस जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको ही सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जो HR है वो जानते हुए हैं मेरे, तो आप चीज़ों को समझ के आप उनसे बता दीजिएगा, ठीक है। और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स है आपके जॉब से रिलेटेड या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर ही कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खाली है फ्रेंड्स, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।